हेलो भाई, मैं ओमकार। आज सबसे खतरनाक ट्रिप होने वाली है, मतलब एक स्मॉल ट्रिप ही है और बहुत सारे एक्साइटमेंट होने वाली है और बहुत सारे व्यूज मैं दिखाने वाला हूँ। और यहाँ पे अपनी जो डिज़ायर मैं हमेशा दिखाता रहता हूँ, हमें रिकमेंड करता रहता हूँ, हमेशा मैं ब्लॉग में डालता ही रहता हूँ, तो आज वो भी देखते हैं यार क्या एवरेज माइलेज कितना देती है। और उसके बाद ट्रिप विप तो स्मॉल ही होगी, लेकिन बहुत ही अच्छा लगता है जब नज़ारों के साथ ना, जब ट्रैवल करते हो अपने गाड़ी के साथ, छोटे मोटे सब व्यूज़ जो है वो व्यूज एक्सप्लोर करते हो विद गाड़ी के साथ। ऐसे गाड़ी वाड़ी मतलब घुमाने के, मैं एक्चुअली मैं ट्रैवलिंग का शौकीन हूँ, आपको पता है। OMY007 चैनल को आपने जितना भी प्यार वैसे भी दिया ना, बहुत सारे जो है वो भाई बहन उनको भी पर्सनली थैंक्स देना चाहता हूँ, जो आप जो इतना प्यार दे रहे हैं। वैसे ही सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, वॉच टाइम बढ़ रहा है, अच्छे खासे जो है अपना चैनल ग्रो कर रहा है, सब्सक्राइबर भाई है जितने सारे अभी गेन हो रहे हैं, ज़्यादा बढ़ रहे हैं। फिलहाल तो यहाँ पे अपनी डिज़ायर खड़ी है, मैं फ्रंट कैमरा अभी ऑन किया है। तो यहाँ पे आपने जितना सारा हमें प्यार दिया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइबर जैसे बढ़ रहे हैं दिन ब दिन, 10 सब्सक्राइबर 20 सब्सक्राइबर ऐसे बढ़ रहे हैं। और आपका प्यार इंपॉर्टेंट है यार, आप जैसे जैसे व्यूज़ बढ़ेंगे, जैसे जैसे आपका प्यार बढ़ेगा, वैसे वैसे मैं हर वक्त हर दिन एक नया नया कंटेंट है वो क्रिएट करता रहूँगा, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर का काम ही है कंटेंट क्रिएट करना। अपने ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं, एक छोटी सी स्मॉल ट्रिप है वो करने वाला हूँ, आपको दिखाने वाला हूँ, व्यूज़ एक्सप्लोर वगैरह करने वाला हूँ, तो बने रहे वीडियो पे। डीजल में आ चुका हूँ भाई, मतलब क्या प्रॉब्लम होता है गाड़ी में। एक तो मुझे एक प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व करनी है, और एक छोटी सी स्मॉल ट्रिप भी करनी है, वो भी करूँगा। यहाँ पे अपनी 1000 लाइट्स ऑन है, गाड़ी अभी गाड़ी घर से बाहर निकली है, वो तो शूट नहीं कर रहा है, अभी एक स्मॉल ट्रिप होने वाली है। एक डेस्टिनेशन में जाने वाला हूँ मैं, तो सोचा एक छोटा मोटा व्लॉग ही ना क्यों कर लूँ। यहाँ पे 1000 लाइट्स चालू है, अपनी पार्किंग वार्किंग लाइट चालू है, यहाँ पे चढ़ाव है, तो अभी मैं जाऊँगा। और इतने रास्ते पे इतने मस्त एकदम नज़ारा है ना, वो भी एक्सप्लोर करेंगे, वो भी होगा। और छोटे मोटे वो कंटेंट में हमेशा लाता ही रहता हूँ। यहाँ पे अभी न्यूट्रल में लगाई है मैंने गाड़ी फिलहाल, तो पर एक प्रॉब्लम है यार गाड़ी में, वो मुझे रिजॉल्व करनी है। यहाँ पे जो वाइपर के जो वॉशर्स हैं ना, वो बंदरों ने मतलब पता नहीं मतलब छलांग मार मार के ना उसमें मतलब कच्चूमरी बना दिया। उसकी एक्चुअली जो पोजीशन है ना, वो पोजीशन ही बदल गई है। मतलब अगर वॉश करते हो ना, अगर मान लो अभी मैं दिखाता हूँ आपको, अभी यहाँ पे वॉश करता हूँ, यहाँ पे देखो पानी किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, विंडशील्ड है, और यहाँ पे देखो वो भी दिखाना है, उसका एंगल सेट करना होता है, लेकिन वो बहुत ही डिफिकल्ट काम है। मतलब 5-6 मिनट का काम नहीं, आधा आधा घंटा तक लग जाता है। मैंने खुद वो देखा हुआ था, मिस्त्री के यहाँ पे मिस्त्री कर रहे थे जब, उस पे दोबारा बिगड़ा है, मतलब पहली बार भी बिगड़ा हुआ था, वो भी दिखाऊंगा। गाड़ी का भी छोटी मोटी सर्विस है, वो भी कराऊंगा फिलहाल। तो ये हमारा गियर नॉब वगैरह सब न्यूट्रल वोटर में है, गाड़ी हमेशा अपनी चकाचौंध ही रहती है। तो हम पहले स्मॉल ट्रिप में जाने से पहले एक तो मैं चीज़ बताना चाहूँगा, अच्छे खासे नज़ारे दिखाऊंगा। और जिस मकान में मैं जा रहा हूँ, एक फार्म हाउस में जा रहा हूँ दोस्त के, वो भी फार्म हाउस के जो टोटल फार्म हाउस में व्यू है ना, वो भी आपको एक साथ एक्सप्लोर करवाऊँगा। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो हमेशा आप प्यार करते आ रहे हो ब्लॉग को, तो ऐसे ही प्यार बना के रखें, स्टे ट्यून। एक तो मैं जिधर रहता हूँ ना, इधर नज़ारे देख लो, एक 101 नज़ारे, और गाड़ी इतनी मक्खन चल रही है आप रही, मतलब 40 किलोमीटर पर आवर पे। और प्रॉब्लम क्या हो जाती है पता है, गाड़ी डिज़ायर मतलब सुजुकी के हमेशा गाड़ी में, कोई भी गाड़ी हो, एस क्रॉस वन गाड़ी, अभी स्मूथ चल रही है, रिफाइंड चल रही है, प्रॉब्लम क्या हो जाता है, आप स्ट्रेट रोड में चला रहा हूँ मैं आप फिलहाल, तो 50-80 किलोमीटर पर आवर के बाद ना थोड़े से इनिशियल वाइब्रेशन आने लगते हैं। मतलब अभी चौथे में, अभी फिफ्थ डालता हूँ, अपना लॉन्च होती है दौड़ाती वाला गियर डालता हूँ, यहाँ पे देख लो फिफ्थ गियर में मक्खन चल रही है 60-80 किलोमीटर। जैसे 80 क्रॉस करते हैं ना, एक इनिशियल वाइब्रेशन होता है, मतलब सर्टन जो वाइब्रेशन होते हैं ना, उसके बाद 90-100 पे वाइब्रेशन वगैरह ज़्यादा नहीं करते। अभी कितने यहाँ पे देख लो, हमारे यहाँ के मैं जिधर रहता हूँ ना, गाय बैल तो कैटल्स तो बहुत सारे रोड पे आते हैं, वो तो देखने पड़ते हैं। अभी ये देखो भाई, हट ही नहीं रहा है, इसके प्रॉब्लम बहुत है। जैसे मैं गियर डाउन करता हूँ भाई साहब, यहाँ पे देख लो, गियर जैसे डाउन होता है ना, वैसे के वैसे वाइब्रेशन बढ़ने लगते हैं। अभी चौथा गियर है, वाइब्रेशन एक कमी लगी मुझे, जो ह्यूंडाई में भी नहीं नजर आती, लेकिन सुजुकी में भी नजर आती है। ह्यूंडाई की मैं बहुत सारी गाड़ियाँ चला चुका हूँ, यानी कि ग्रैंड आइटन हो या फिर कोई भी गाड़ी हो ना, पर्टिकुलर नहीं कहा, या फिर फिलहाल हमारा इंटीरियर अपनी जो गाड़ी होती है ना, आपको पता ही है मेरी कोई भी गाड़ी होती है, अंदर से और बाहर से हमेशा साफ सुथरी चक्का चौंधी रहती है। अभी डस्ट पार्टिकल तक आपको नजर नहीं आ रहे होंगे। और नज़ारे देख लो यार हमारे यहाँ के, अभी मैं दिखाता हूँ का, यहाँ पे देख लो, अभी धूप फिलहाल पड़ी है, 11:30 बज चुके हैं अभी फिलहाल। यह विंडशील्ड आपको नज़र आती होगी, या विंडशील्ड में थोड़ा सा रिफ्लेक्शन वगैरह होता है, तो ऐसे कुछ नज़ारे हैं।
और सुजुकी की गाड़ियों का हमेशा मैं बोलता हूँ, गाड़ी हैंडलिंग एक नंबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई भी गाड़ी उठा के देख लो, ऑल्टो कैटन भी एंट्री लेवल की गाड़ी उठा के देख लो ना, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेयरिंग होता है, पावर स्टेयरिंग तो मक्खन है यार, स्मूथ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ब्रेक की अगर बात होती है, 100 के ऊपर 120 के ऊपर अगर ब्रेक मारते हो ना भाई, ABS फील होता है यार, कर 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 जैसे आवाज कैबिन में आती है, वो सेम सिमिलर Hyundai में प्रॉब्लम है। Hyundai की बहुत सारी गाड़ियां चला, जो i20 तक गाड़ी में 120 130 के बाद अगर ब्रेक अप्लाई करते हो इमरजेंसी ब्रेक, तो थोड़ा वाइब्रेशन मुझे फील आया, मुझे फील होता है वाइब्रेशन बहुत सारे। Hyundai और सुजुकी दोनों में प्रॉब्लम है, लेकिन वाइब्रेशन जो कैबिन में आने चाहिए वो Hyundai के नहीं आते हैं, सुजुकी के आते हैं। एक तो यहाँ पे जो टंकी दिख रही है आपको, ये हमेशा घर में, हमेशा जहाँ पे ऐसे रोड पे जाता हूँ ना, ये घर हमेशा दिखता है यार। मतलब इसने क्या सोच के मेरे को पता नहीं चल रहा, यहाँ पे आप कमेंट करके बताना। ये जो टंकी दिख रही है ना आपको, ये जो टंकी दिख रही है ना आपको यहाँ पे, या वो ऊपर ऐसे लटकाई हुई जैसे डर लगी है। मतलब एक नॉर्मल सा एक खंबा है और उसके ऊपर टंकी लगी है, और ये पानी की टंकी है। मतलब ऐसे सोच के वो मैकेनिज्म उसने कैसे बनाया होगा मुझे पता नहीं चल रहा है यार। मतलब कमाल है, हद ही होती है ऐसे 100-120 ऐसे चल रहा हो यार। 80 किलोमीटर की स्पीड है अभी फिलहाल तो, और गाड़ी हमेशा हमारे अपनी मक्खनी रहती है और स्मूथ ही चलती है, क्योंकि हमारे जो रोड है वो हमेशा एक नंबर होते हैं भाई, एक नंबर। यहाँ पे देख लो स्मूथ, एक परसेंट भी आपको अनसेटल्ड रोड यहाँ पे नजर नहीं आएंगे, पूरे के पूरे मतलब KMP है हाईवे। और मतलब ऐसे रोड में ऐसे सेडान गाड़ी भी रखते हो ना तो मजा आता है चलाने में, क्योंकि ऑफ रोडिंग का कोई सवाल ही नहीं होता। एक तो एक रिक्शा वाले एक तो ओवरटेक नहीं दे पाते वो अपनी, मतलब पता ही नहीं, रिक्शा वाले और टेम्पो वगैरह होता है ना, या फिर टेम्पो होता है या फिर बड़े ट्रैवलर्स होते हैं, वो एक लेन पे नहीं चलते हमेशा यार, बीच में ही चलते हैं, कुछ पता नहीं होता यार। मतलब यहाँ पे कुछ फार्म हाउस कुछ दिख रहा है यहाँ पे, और कोकोनट के पौधे हैं, नारियल के पेड़ है, यहाँ पे बगीचा वगीचा है, और स्मूथ चल रही है यार गाड़ी अपनी। और इतने धूप में हम जा रहे हैं किसी छोटे से स्मॉल ट्रिप के लिए, वो भी अभी को जगह बताऊंगा, और जहाँ पे व्यूज इतने मस्त है ना, नज़ारे इतने मस्त है, वो एक्सप्लोर करने में मजे आएंगे भाई। हमारे यहाँ के मतलब ये जो सीधा रोड है वो मालवन टू गोवा जाता है, यहाँ पर रोड ये जो कोंकण में है फिलहाल में, और ये जो हमारे यहाँ पे रोड है ना, मतलब कर्व देख लो कितने काफ़ी ज़्यादा शार्प है। मतलब कर्व एक एक बात करते हो तो इतना ज़्यादा है कि बोलो ही। मतलब एक कोई नया हाईवे वगैरह ओरिएंटेड ड्राइवर होगा ना, हमेशा हाईवे पे मारता हुआ ड्राइवर होगा गाड़ी, तो उसको अगर इधर लाया जाए तो ये थोड़ा मतलब प्रॉब्लम में आ जाएगा कि भाई कहाँ पे मोड़नी है कहाँ पे नहीं, क्योंकि बहुत शार्प, एक तो सीधे रोड है और एक नंबर ज़्यादा मतलब 100% का है, मतलब कर्व ख़त्म ही नहीं होते। मतलब अब टर्न करते हो ना आप, सैंपल दिखाता हूँ, कर्व खत्म होने का नाम ही नहीं था, एकदम से अचानक से इमीडिएटली कर्व आता है। यहाँ पे देख लो, ये देखो कितने ज्यादा खतरनाक रोड है यार। यहाँ पे भी रोड देख लो, थोड़े बहुत इधर उधर अनसेटल्ड है, लेकिन भाई नजारे देख लो कितने साफ सुथरा चकाचौंध है। हमारे यहाँ पे ज्यादा धूप ज्यादा निकलती है और गर्मी बड़ी तेज होती है, 11 जैसे ही बज जाते ना वैसे ही गर्मी बड़ी लगती है। और ऐसी अपने तो खैर अंदर मतलब कैबिन में हूँ, AC ने तो अच्छा खासा चिल्ड आउट कर दिया है, मस्त एकदम चिल्ड लग रहा है। थोड़ी देर लगती है, अगर मारुति सुजुकी को कंपेयर करते हैं ना बाकी की गाड़ी से, थोड़ी देर लगती है AC को कूल करने में कैबिन, लेकिन अच्छी खासी कूल कर देता है यार, मतलब अच्छी खासी ठंडी कर देता है यहाँ पे। फिलहाल तो मैं 60-40 के जो है वो किलोमीटर पर आवर पे अभी स्टिल भगा रहा हूँ गाड़ी, रोड अच्छे खासा, और सस्पेंशन इतने स्मूथ है ना गाड़ी के, मतलब अभी जो सुजुकी धीरे धीरे डेवलप कर रही है ना सस्पेंशन, जो मैक पर्शन स्ट्रक टॉर्जन बीम वगैरह जो है फैसिलिटीज के बना रही है, तो मतलब कैबिन में फील ही नहीं हो रहे यार, बाहर कितने गड्ढे ज़्यादा है। अगर ओमनी अपनी जो है उससे निकलता हो तो बहुत सारे गड्ढे फील होते हैं, लेकिन इससे कुछ भी नहीं फील होता है, लिटरली कुछ भी नहीं। यहाँ पे हमने अच्छा खासा फ्रेशनेस भी, चिल्ड आउट भी हो चुका और अच्छा खासा फ्रेशनेस भी है। यहाँ पे फ्रेंच वुड अपना तो मैंने पहले भी कमांड किया था, हमेशा गाड़ी में ये होना ही चाहिए, क्योंकि ये इतना हिट हो चुका है अभी, इतना पॉपुलर हो चुका है गाड़ी में कार परफ्यूम इन्वॉल्व वन। यहाँ पे आप ब्रांडिंग देख सकते हो, यूज़ करके देखो, एक बार यूज़ करोगे मैग चार ही दिशाओं में फैलेगी अंदर कैबिन में, और हमेशा कांच बंद करके ही चलाओ, क्योंकि इसका कोई यूज़ ही नहीं होगा अगर कांच बंद करके चलाते हो तो। फिलहाल तो यहाँ पे कर्व्स छोटे मोटे हैं, लेकिन भगा रहा हूँ यार 60-40 ऐसे, और अच्छे खासे व्यूज़ भी आएंगे। और जिधर मैं जा रहा हूँ फार्म हाउस पे, वो भी आपको एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा हमने कैसे कैसे बनाया है नया मकान। और दूसरी बात यह है कि वहाँ के नज़ारे भी एक नंबर है, इससे भी तगड़े व्यूज़ है, और मतलब उधर जाते हो तो आपको पता चलेगा।
एक तो धूप काफी इतनी फिलहाल पड़ चुकी है और सूरज ना यहाँ पे आ जाता है बाद में 12-1 बजे के बाद बीच में, और यहाँ पे जो है वो छोटे सनरूफ ऑन करने पड़ते हैं विंडशील्ड के प्रोटेक्शन के लिए और अपने आंखों में चुभे ना अल्ट्रावायलेट, इसलिए तो एक तो प्रॉब्लम क्या होती है, मैंने सनग्लासेस पहन के रखी है अभी। और हाईवे में मतलब हाईवे क्रूज करते वक्त तो प्रॉब्लम क्या होती है, कर्व्स में ज्यादातर के अल्ट्रावायलेट मतलब ये ए पिलर है ज्यादा से ज्यादा सुजुकी में ज्यादा प्रॉब्लम आता है, मतलब सुजुकी का जो पोर्शन होता है ना हर एक गाड़ियों का एरोडायनामिक ज्यादा होती है, तो एरोडायनामिक ज्यादा होने के कारण ए पिलर हमेशा ना टर्न मारते समय आड़ा आ जाता है, मतलब बीच में आ जाता है, तो एक तो धूप तो आंखों में चुभती है और उसके बाद ये कर्व मारते वक्त या फिर ये लेफ्ट साइड का ये और राइट साइड का ये दोनों के दोनों ना बीच में आ जाते हैं और विजिबिलिटी में प्रॉब्लम देते हैं, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे फिलहाल खोद वोद रखा है कुछ, मतलब गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो किसी के अलग अलग जो अपनी प्राइवेट प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो जेसीबी वीसीबी डाल के कुछ ना कुछ क्लीनिंग वीनिंग का काम कर रहे हैं। और यहाँ पे जो फिलहाल अभी अभी हाईवे हुआ है जो सीधा रोड गोवा पे जाता है ये रोड, और यहाँ पे उल्टा जो रोड है वो मुंबई जाता है, मतलब NH-47 पे हम खड़े हैं KMP पे, और KMP पे हम लोग डायरेक्टली जो है वो जाने वाला है कनकवली और सीधा जाता है गोवा, ऐसे स्ट्रेट रोड लेफ्ट जाता है मुंबई, मुंबई टू गोवा जो हवी गडकरी साहब ने जो फिलहाल जो हाईवे किया है वही हमें जो है वो दिखता है। यहाँ पे जो है वो गाड़ी स्टिल भाग, मतलब ये अंदर के रोड है यार, मतलब बाईपास रोड है ये, तो यहाँ के गाड़ियाँ मतलब छोटे गांव के रोड होते हैं ना वैसे भी वो, मतलब जो सीवे में आते हैं ना अंडर, तो यहाँ के जो रोड है वो टू वे नहीं हो पाए, सिंगल वे है लेकिन वन वे होके भी, मतलब वन वे तो नहीं है सिंगल वे है लेकिन होकर भी ये पूरा का पूरा मतलब ये हाईवे बन गया है, मतलब खराब नहीं है यार रोड, मतलब बुरे नहीं है यहाँ के रोड। हम हमारे इलाके में ना ज्यादातर के हॉट मिक्स के रोड दिखेंगे आपको, कहे मतलब मिट्टी विट्टी आ चुके हैं, अनसेटल्ड रोड है, ऐसा कुछ नहीं। जिधर पहुंचना था हम पहुंच गए, अभी ये सुपर मार्केट है और सुपर मार्केट के जो रोड थे ना हमेशा बाईपास ही रोड थे, और यहाँ पे जो फ्लाईओवर है और मैं बता रहा था ना जो सीधा रोड मुंबई गोवा जाता है वो NH-48 यहाँ पे मिलता है, और हमारे जो मतलब जो गांव है ना वो पर्टिकुलर जाने के लिए ये रोड होता है, मतलब ये रोड क्रॉस करना पड़ता है और उसके बाद जाके हाईवे यहाँ पे आता है, ये देख रहे हो जो हाईवे है वो वहाँ पे आता है, वो फ्लाईओवर दिख रहा है, डायरेक्टली सीधा फ्लाईओवर से जाओगे गोवा जाओगे, ऐसे कुछ रूट है। फिलहाल यहाँ पे बहुत भीड़ है यार, मतलब ऐसे जो बाईपास रोड होते हैं ना बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और भीड़ भरा के इलाके होते हैं, प्रॉब्लम ही आता है यहाँ पे जो है वो रिक्शा वाले वगैरह, एक तो रिक्शा वाले लाइन में एक ऐसे खड़े होते हैं ना तो गाड़ी जाने का प्रॉब्लम ही होता है। भीड़ देख लो भाई कितनी नेक्स्ट लेवल की है, अभी मुझे यहाँ से क्रॉस करना है क्रॉस भी नहीं हो पा रहा क्योंकि कितनी ज़्यादा मतलब हद से ज़्यादा ट्रैफिक हो रखा है, जैसे जैसे हाईवे मतलब बढ़ता है ना, अभी ये देखो एक बस वाला क्या करेगा, अपना अपना जो है ना वो अपने अपने निभाते हैं, मतलब दूसरे को देखते भी नहीं छोटे गाड़ियों को, बड़ी जो गाड़ी होती है। अभी यहाँ पे मैं रोड क्रॉस करूंगा तो ये देख लो भाई क्या हालत हो रखी है, मतलब गाड़ी छोटे गाड़ियों को बड़ी गाड़ियां देखती भी नहीं, दो मिनट रुकेगा ये ड्राइवर है, बस वाले तो वैसे ही होते हैं दो मिनट भी रुकेंगे नहीं, मतलब दो सेकंड के तुम नाम ही छोड़ दो ऐसे ही भाग लेंगे, मतलब एक्सीलेटर में पैर दिया है दबा लेंगे जाएंगे ऐसे ही करेंगे, हद होती है, मतलब ऐसे दो मिनट रुकना तो चाहिए छोटे गाड़ियों को, अगर लगभग गई तो आपका ही प्रॉब्लम है, हमारा कुछ जानता नहीं, बड़े वाले उनको ही देखते हैं लोग हमेशा पीटते हैं ना बड़ी गाड़ियों के ही, ऐसे कुछ होता है। और मतलब ये जो रोड है ना स्पीच पर्सनली ये जो हाईवे दिख रहा है आपको, मतलब जो फ्लाईओवर दिख रहा है सीधा जो है अगर ऊपर से जाओगे तो डायरेक्टली गोवा जाओगे, और नीचे से जाओगे जो गाँव वाँव के रोड है छोटे मोटे, फिलहाल मैं जिस मकान की तरफ जा रहा हूँ वो रोड जाता है, जिस फार्म हाउस की तरफ जा रहा हूँ वो यहाँ पे लेफ्ट मोड़ने पर वो जाता है और सीधा हाई गोवा जाता है, और अपोजिट जाओगे ऐसे वहाँ से तो सीधा मुंबई चला जाता है, ऐसे कुछ जर्नी है। अगर आप गाड़ी भगाने के शौकीन होना तो ये रोड काफी सही है, मतलब गांव वाव के रोड है कोई ज्यादातर आता नहीं है, 80-90 ऐसे चलते, लेकिन मैं ज्यादा स्पीड रिकमेंड नहीं करता। ये जो ट्रैक्टर उक्टर वाले होते हैं ना ये देखो कूड़ा कावड़ा देते हैं एक लेन पे उनको, एक तो ये देखो रिवर्स मतलब नीचे पीछे अगर उसके बोलते कोई रिफ्लेक्टर नहीं है कोई लाइट वाइट नहीं है, अभी ये देखो बैल वगैरह सामने आ गया कितना प्रॉब्लम होता है देख लो गाड़ी मतलब जो क्रॉस करने में गाड़ी ओवरटेक करने में। अभी अगर मान लो मेरे जैसा बंदा अगर मैं अभी रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि उसका भी धंधा है ये नहीं करता कचरा वचरा लेके जा रहा है अच्छी बात कर रहा है, लेकिन उसके पीछे लाइट भी नहीं है रिफ्लेक्टर नहीं है लाइट नहीं है कुछ नहीं है कैसे भाई, मतलब रात में अगर कोई दारू पी के आ गया ना खामा का मतलब
खुद के साथ साथ अपनी फैमिली की भी जान डालेगा यार। ऐसे लोगों को ना खींच के देने चाहिए एटलीस्ट, मतलब कम से कम अपने जो ट्रैक्टर को पीछे जो है वो टेल लाइट तो दो विजिबिलिटी के लिए। रात में मर जाएगा कोई बंदा, क्या यार हद ही होती है यार। मतलब डेंजरस सिचुएशन में फंस जाओगे अगर ऐसे, अगर इन जैसे जो है वो छपरी लोगों के साथ अगर पीछे रहोगे तो। यहाँ पे फिलहाल पूरा का पूरा खाली मैदान है और कूड़ा कपड़ा इधर डालने के लिए आता है वो सारा ट्रक। ये जो को अपनी जो गाड़ी है नॉर्मल स्पीड में भाग रही है मक्खन की तरह, एक नंबर। एक तो प्रॉब्लम क्या होती है पता है, अभी मैंने गाड़ी रोक दी है फिलहाल तो अनलॉक करता हूँ। यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है ना मुझे एक तो समझ में नहीं आई, अभी तो फिलहाल यहाँ पे गाड़ी रोक दी है मैंने तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ये जो अभी विजिबिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है यहाँ पे। जो अगर आप बोलते हो ना यहाँ पे जो वाइपर के वॉशर होते हैं ना, एक तो वो जा चुके हैं फिलहाल तो, और उसके बाद प्रॉब्लम क्या हो चुका है विजिबिलिटी नहीं प्रोवाइड कर पाते और यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट्स बन जाते हैं। प्रॉब्लम मुझे एक महीने तक सता रही है और आज करूंगा ये अब कल करूंगा, लेकिन ये छोटी सी प्रॉब्लम बोलते हैं ना बड़ी बड़ी दिक्कत कर जाती है, वैसे की वैसी प्रॉब्लम हो रही है। मतलब जो नोजल पूरे एंगल बदल चुका है, अगर एक बार तो वॉश करते हैं ना तो ऊपर चला आता है फवारा, नीचे नहीं आ पाता, और विंडशील्ड जो है वो विंडशील्ड पूरी तरह से ठीक तरह से क्लीन नहीं हो पाती, ऐसे कुछ फिलहाल तो हो रखी है। और अपनी जो मतलब जो गाड़ी है ना फिलहाल तो मैंने पार्किंग पे लगाई हुई है, तो प्रॉब्लम क्या हुआ, दो मिनट तो वॉशरूम के लिए जाके आया तो ऐसे सोचा मैंने, लेकिन भाई धूप इतनी फिलहाल यहाँ पे देख लो कितनी तेज़ है, पता तक नहीं चल रहा है यहाँ पे गाड़ी रोकूँ कि नहीं रोकूँ। तो फिलहाल लेट्स गो, जहाँ पे हमने जो है वो व्यू एक्सप्लोर करने थे वो एक्सप्लोर करते हैं और उसके बाद डिसाइड करते हैं कहाँ पे जाना है। यहाँ पे फिलहाल मैंने अंदर गाड़ी में बैठता हूँ, यहाँ पे यार बाहर से अंदर निकालते मतलब बाहर से जब ऐसे अंदर जाता हूँ ना मैं इतना चिल्ड आउट हो जाता है, एक तो एसी ने पूरा की पूरी केबिन चिल्ड कर दी है और बाहर से इतनी कड़ी धूप, बाहर अगर मतलब एसी से बाहर कैसे जाएगा बंदा यार। अब अभी तो शुरुआत है मई महीने में, तो क्या हालत गंदी हो रखेगी, क्या मतलब डेंजरस सिचुएशन में हम पड़ने वाले हैं, इतनी गर्मी, इतनी नेक्स्ट लेवल वाली गर्मी होने वाली है। जो मैं आपको व्यूज़ दिखाने वाला हूँ, पहले व्यूज़ दिखाने से पहले ये सीट बेल्ट बांध लेते हैं, पहले अच्छी तरह से फर्स्ट डाल देते हैं और चलते हैं, लेट्स गो। एक तो भाई मुझे इधर मोड़ना था, मैंने गलती से मतलब टर्न इंडिकेटर लगाया नहीं, मैं गलती से मैं उधर ही जा रहा था, मतलब अभी पीछे आया मैं फिलहाल तो। मुझे एक तो रिवर जाना है, मतलब हमारे वार्म हाउस में जाता है रोड तो वो उधर जाता है और सीधा रोड जो है वो उधर निकल जाता है, तो ऐसे कुछ है। जंगल वंगल बहुत है यहाँ पे, शेर वेर बहुत आते हैं, तो यहाँ पे पहले मुड़ते हैं क्योंकि मैं भूल गया यार, मतलब स्पीड 80-90 पे क्रूज की थी गाड़ी, ऐसे सीधी जाने वाली थी, लेफ्ट मुड़ा अभी, अच्छा हुआ इमरजेंसी में मैंने ब्रेक लगाया। अपने जो फिलहाल मकान के लिए जाने के लिए, मतलब ये जो छोटा सा हाई स्कूल है, छोटा सा मतलब किंडरगार्टन स्कूल है, हाई स्कूल तो नहीं है, तो यहाँ पे जाने के लिए राइट मोड़ना पड़ता है, राइट मोड़ना पड़ता है और सीधा जाता है मुंबई की तरफ, मतलब ये बाईपास रोड हाईवे की तरफ जो है वो कनेक्ट होता है, और हमें जाने के लिए राइट टर्न लेना पड़ता है। यहाँ पे जो फिलहाल कंस्ट्रक्शन वंस्ट्रक्शन का काम चालू है, तो जेसीबी डाल के रास्ता रोड का कुछ कर रहे हैं, तो यहाँ पे पेड़ पौधे देख रहे हो यार, मतलब जो स्कूल के प्रीमाइसेस है ना वहाँ पे पेड़ पौधे लगाने ही चाहिए हमेशा, क्योंकि हरियाली फैलती है, बच्चों को ऑक्सीजन मिलता है अच्छा खासा, और बोर्ड वोर्ड लगाया हुआ है और अंदर अपने फार्म हाउस से सीधा राज जैसा जो रोड है वो जाता है। पहले भाई हम बहुत थक चुके हैं ट्रिप उप करके, फर्स्ट लगा देते हैं एंगेज, अपनी डिजायर भी थक चुकी है तेल खा के, तो यहाँ पे हम लोग टर्न मारते हैं नॉर्मल सा और चलते हैं रोड की तरफ, और एक आधे मीटर की दूरी पर ही है, ज़्यादा पास ज़्यादा दूर नहीं है, 700-800 मीटर के अंदर ही है। यहाँ पे छाव अच्छे यार, मतलब गाड़ी किधर भी लगा सकते हैं, इधर पार्किंग वार्किंग का चक्कर नहीं होता एक तो, और ऑफ रोडिंग क्या देख लो यार, गजब कर रही है अपनी गाड़ी, डिजायर है वो सफोमीटर सेडान है 1.2 लीटर, फिर भी एक नंबर, कोई फोर एक्सप्लोरर स्कॉर्पियो एन की तरह कोई बटन वटन नहीं होता है, 4x4 एंगेज करना, डिफरेंशियल लॉकिंग वॉकिंग कुछ चक्कर नहीं, लेकिन भाई साहब रोड की हालत देख लो, ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है, फिर भी मक्खन एक नंबर कर रही है अपनी गाड़ी ऑफ रोडिंग। यहाँ पे फिलहाल एमटी जो है वो आपको जो रोड्स दिख रहे हैं, ये मतलब ये खेती बाड़ी के जो है वो इलाके है यार, मतलब ऐसे जो मतलब ये एक्चुअली हमारा जो फार्म हाउस इधर है ना, ये पूरा का पूरा जंगल सूख चुका है एक्चुअली, और यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा
जब होती है तो इतनी हरियाली फैलती है ना, इतनी हरियाली तीज फैलती है कि आप मतलब टेंट वेंट लगा के ऐसे तंबू वंबू टोक के ना यहाँ पे ही मतलब लंच वंच करोगे, यहाँ पे दोपहर में डिनर रात में करोगे, मतलब रात में तो इतनी बारिश तेज होती है ना कि नाम मत लेना। अभी पेड़ पौधे की हालत देख लो यार, कितने सूख चुके, जंगल वंगल सूख चुके, ऐसा लग रहा है रेगिस्तान में आ गए, राजस्थान में आ गए ऐसा लग रहा है। अपनी गाड़ी देख लो क्या स्मूथनेस, सस्पेंशन देख लो यार, अभी रोड की हालत देख लो, पूरी की पूरी ऑफ रोडिंग टेरेन है, फिर भी गाड़ी ऑल टेरेन टायर तो नहीं है अपने, जो है वो टायर अपोलो के है, लेकिन जो स्मूथनेस है ना टायर का और गाड़ी का, इतना जो है वो मिक्सचर जो हो चुका है परफेक्ट कि गाड़ी आवाज़ भी नहीं यार, मतलब मैं अभी दो मिनट साइलेंट में हो जाता हूँ, देख रहे हो कोई भी नॉइस नहीं यार, मतलब 9-10 लाख रुपए आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, और इतना मतलब इससे सियाज वियाज होती ना गाड़ी तो 1.5 लीटर सियाज, वन पेट्रोल भी ले लो, डीजल DDIS मोटर भी ले लो, टेक पाती उधर 101% उसका ग्राउंड क्लियरेंस से भी 1145 का 1115 के अंदर उसका है, भिड़ पाती टेक पाती इधर टच हो पाता ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो बोनेट वोनेट इधर को मतलब ठीक ठाक मिलता है आपको, डिजायर में ऐसे नहीं कि वो अच्छा खासा मिलता है, लेकिन ऑफ रोडिंग अच्छी खासी कर लेते हैं यार। ये देखो चारों की तरफ इधर ए पिलर के उधर भी घुमाता हूँ जो है वो कैमरा, उधर भी जंगल इधर भी जंगल सीधी, मतलब ऐसे रात में अगर जाओगे ना मतलब सुनसान नहीं लगेगा आपको ऐसा कुछ। अपने फार्म हाउस का छोटा सा अपना जो है वो देख रहा है आपको, जो छोटे मोटे जो आपको रूफ दिख रहा है रेड कलर का, वो ही विजिबिलिटी वहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे अपना फार्म हाउस है। तो यहाँ पे जो है पेड़ वेड़ है, छाव वाव छोटी मोटी है, टेंट वेंट लगाने के एक नंबर है, लेकिन शाम को दोपहर में आप यहाँ पे मतलब अभी मैं एसी में चिल्ड आउट हुआ हूँ अच्छा खासा, लेकिन बाहर जैसे निकलता हूँ ना इतनी तेज भयंकर गर्मी भाई, 30 डिग्री सेल्सियस के भी ऊपर हो चुका है, 34-35 डिग्री सेल्सियस, मतलब मई महीने में तो 50 डिग्री सेल्सियस तक भी जाता है, और आप ऐसे सरकार भी बोल रहा है यहाँ पे कोंकण डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही ज़्यादा गर्मी होने वाली है। अभी टर्न मारता हूँ, ये सीधा जो रोड आप देख रहे हो ना, ये लेफ्ट में मुड़ूंगा तो सीधा अपना ये पीले कलर का दिख रहा है आपको, मैं अभी फिलहाल तो जूम कर लेता हूँ, यहाँ पे अपना फार्म हाउस है और यहाँ पे मैं रेस्ट करने वाला हूँ, यहाँ पे पहले मैं गाड़ी लगा देता हूँ पार्किंग की तरफ और बाद में जाता हूँ फार्म हाउस में। अभी देख लो छाव कितनी मस्त है यार, और इधर के जो जो घर के स्ट्रक्चर्स है ना, मतलब कॉल वॉल के होते हैं, मतलब जो रूफ़ है ना आपको ज़्यादातर के जो है वो सीमेंट वीमेंट की नहीं मिलेगी, मतलब स्लैब वैब नहीं मिलेगी, ज़्यादा पत्थर का वगैरह ही होता है, क्योंकि स्लैब वैब का इधर अफोर्ड कर नहीं पाते, तो ज़्यादातर के मतलब मेंटेनेंस लो मेंटेनेंस का ही होता है, जो अपना पथरा तपता है, लेकिन इसलिए हमने हाइट ज़्यादा रखी है यहाँ पे। फिलहाल यहाँ पे फार्म हाउस यहाँ पे आ गया अच्छा खासा है, दिख रहा है पीले तरह से। अब फटाफट से गाड़ी अपनी पार्किंग में लगाते हैं और वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। डिजायर ने अच्छी तरह से अभी एवरेज दिया, यहाँ पे जो एवरेज अभी दिखाई पड़ रहा है मेरे को 18.1 का माइलेज है, लमसम क्लेम किया अच्छा खासा, और ये अपना फार्म हाउस है ऐसी तरह से कुछ दिखता है पीले कलर का। और अपनी गाड़ी फिलहाल तो यहाँ पे अंदर डाल देते हैं और वीडियो को अभी यहाँ पे एंड कर देते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा OMY007 चैनल को। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ पे ये फार्म हाउस, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीक में ऐसे ही जैसे जैसे ट्रिप बनते हैं वैसे वैसे ब्लॉग डालता हूँ, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।